सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने का दावा करे, पर इस सेवा से जुड़े कर्मचारियों पर कोई प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला फिरोजाबाद के ट्रामा सेंटर से जुड़ा हुआ है, जहां रात में मरीजों के तीमानदारों को डॉक्टर से लेकर वार्ड बॉय तक को खुद ही ढूंढकर लाना पड़ता है, तब जाकर मरीजों को इलाज मिल पाता है। जी, मेरा नाम फिरोज है। फिरोज जी, अभी यहाँ एक पेशेंट को आप गोद में अंदर लेते हुए आए थे, बाहर कोई वार्ड बॉय या कोई स्टेशन नहीं मिला आपको, यहाँ पर क्या मामला हुआ? जी, यहाँ पर मैं आया था, कोई स्टेशन नहीं था, स्टेशन तो था लेकिन कोई वार्ड बॉय नहीं था, कोई हेल्पर नहीं था, और मैं स्टाफ में चीख रहा हूँ, कोई डॉक्टर स्टाफ ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा मैं यहाँ पेशेंट को लेकर आया हूँ, फ़ायदा क्या है यहाँ पर लाने से? क्या कम क्या हो गया पेशेंट को आपका? जी, उसके हाथ पैर अचानक से ऐसे हो रहे हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जब मैंने उससे कहा बोलने के लिए ऑक्सीजन। तो यहाँ जिला अस्पताल में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही आपको? जी, अभी तो नहीं दिख रही। यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, स्ट्रेचर की, वार्ड बॉय की, डॉक्टर भी होना चाहिए। मुझे तो यहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा, ना अपना स्टाफ नजर आ रहा, ना वार्ड बॉय, ना डॉक्टर, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सन्नाटा पड़ा हुआ है। दरअसल बीती रात में ट्रामा सेंटर में मरीजों की सुनने वाला कोई नहीं था। अस्पताल की बिल्डिंग को छोड़ दिया जाए तो ना डॉक्टर थे ना वार्ड बॉय, अस्पताल पूरी तरह लावारिस हालत में पड़ा हुआ था। इस दौरान जो भी मरीज इलाज के लिए अस्पताल में लाए गए, उन्हें तीमारदारों ने अपने साधन ठेले या गोदी में अंदर ले गए। ना तो कोई स्ट्रेचर मिला और ना ही वार्ड बॉय। हद तो तब हुई जब डॉक्टर भी मौके पर मौजूद नहीं थे और ये सब नज़ारा कैमरे में कैद। क्या क्या मामला हुआ है? चक्कर लग गई है, मारी है या लगी है ये बताओ? बार बार दी, मार दिया। कौन लोग थे? वो मेरी गली वहाँ पर रहता है। क्या नाम है उनके? आया। क्या नाम है इनके जिन्हें टक्कर मारी आपने? आया, आया। हाँ, कोई पहले की पुरानी रंजिश चल रही थी क्या? किस बात को लेकर? किस बात को लेकर? जमीन की वजह से। जमीन की वजह से? क्या मामला था जमीन का आपको? इधर बेचो। और वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो डाले किनारे रहते हैं। खाना कौन सा लगता है? दक्षिण। दोनों लोग दक्षिण में रहते हैं। वहीं अस्पताल का यह नजारा जब कैमरे में कैद हो गया, तब से ट्रामा सेंटर में भूचाल मचा हुआ है। वहीं इस मुद्दे पर सीएमएस ने कहा, हमारी व्यवस्था पूरी है, अगर किसी की लापरवाही सामने आई तो निश्चित ही कार्यवाही की जाएगी। कल एक ये मामला देखा गया था यहाँ पर ट्रामा, सरकारी ट्रामा सेंटर में कुछ अर्थव्यवस्थाएं दिखी जिससे कि ठेले भी अंदर जा रहे थे, कुछ पेशेंट गोदों में लेके जा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपको सेम बताया कि हम लोगों ने ट्रामा सेंटर पर सारी व्यवस्थाएं करा रखी हैं, गेट पर ही स्ट्रेचर हमेशा उपलब्ध रहती है, वार्ड बॉय उपलब्ध रहता है, और फिर भी अगर आप बता रहे हैं कि इस तरह की घटना कल हुई है तो ये बिल्कुल गलत है और हम लोग इसकी जाँच करवाएंगे और जो भी संबंधित व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि किन परिस्थितियों में उसने ठेले को अंदर जाने दिया, जबकि हमारे पास स्ट्रेचर वार्ड बॉय सभी उपलब्ध हैं, तो उसी के द्वारा मरीज को अंदर भेजा जाना चाहिए। तीमारदारों का कहना है वहाँ पर रात में देर रात्रि जब होती है तो वहाँ से स्टाफ गायब हो जाता है, और तो काफ़ी देर तक कल उन्होंने आवाज़ें दी, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, ऐसा कुछ हमारे कैमरे में कह दिया, क्या कहना? चलिए, इसको भी हम चेक करवाएंगे, देखेंगे इसमें जो भी संबंधित होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पर अब सवालों के घेरे में वो अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी भी हैं, जिन पर सरकार की योजना का लाभ आमजन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। पर जब सरकार के अधिकारी ही इन जिम्मेदारियों से भागने लगेंगे तो सरकार की योजना बनने से क्या लाभ होगा? फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। अजय अजय कुमार चक सनोप श्री करण सिंह। कहाँ के रहने वाले? महापुर के। थाना कौन सा लगता है? थाना दक्षिण पड़ता है। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने वार्निंग दी, उसके बाद ये चलता रहा, लेकिन कोई बात नहीं है, निकलना जुलना बंद हो गया इनका। ठीक है, अब ये अपने घर पे जाते हैं, बहन जी के यहाँ प्लॉट है, दूसरे प्लॉट पे जाते हैं, तो वहाँ से दूध लेके आ रहे थे, सुबह करीब 9:15 बजे का टाइम था। आज की बात है, आज का दिन, और ये तारीख है, आज तुम्हारी बता दू 20 तारीख है, 12/महीना 2018। तो ये लेके आ रहा था वहाँ से, तो इन्होंने या अपने कहीं से भी आए हो उसने पहचान लिया, आप ये जाके उसी से पूछ लेना कौन था कैसे था, वो खुद बता। अभी यहाँ पर देखा गया ये पेशेंट को ठेले पर लेके आए थे और ठेला फिर अंदर से लेके आए थे, क्या यहाँ पर कोई वार्ड बॉय या कोई स्ट्रेचर मौजूद नहीं था? यहाँ स्ट्रेचर मुझे बाहर कोई मौजूद नहीं मिला है,
और जो भी जो यहाँ के कर्मचारी है वो मुझे सामने मिले हुए, उन्होंने कहा था आप अंदर लेके जाइए, ठेला अंदर ले जाइए जी, ठीक है, स्टेशन पर नहीं ले गए, नहीं।